गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी आसान सी एक्सरसाइजेस जो सिर्फ एक हफ्ते में आपके लटकते हुए पेट को अंदर कर देगी, वो भी बिना जिम जाए। हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आप लोगों की हमेशा मेल्स आती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हम एक्सरसाइज कब करें। देखिए, अगर आप सोचते ही रहेंगे कि आप पतले हो जाएंगे बिना एक्सरसाइज करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूँ ताकि आप रोजाना कुछ नया ट्राई करें, वो भी घर बैठकर। आपका जिम जाने में टाइम वेस्ट भी ना हो, आपके पैसे भी बचे और आपका बॉडी भी मेंटेन रहे। लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ आपको पतला ही नहीं करती, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से दूर भी रखती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके अंदर एक प्रॉपर एनर्जी बूस्ट करती है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हो सुना होगा, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप अभी से ही, चाहे आपका वेट मेंटेन है, चाहे आपका वेट ज्यादा है, इन एक्सरसाइज को रेगुलर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, इजिली आप इनको फॉलो करके अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए हम करेंगे सबसे पहले प्लैंक। प्लैंक के लिए आपको पोजीशन यही रखनी है। स्टार्टिंग में अगर आपको हैबिट ना हो तो आपके हिप स्लाइटली से अप हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हो सकते हैं, लेकिन आप डे बाय डे करेंगे तो डेफिनेटली आपके पोस्चर में भी करेक्शन आ जाएगी। इसके लिए आप 10 सेकंड से 30 सेकंड तक अपने प्लैंक को लेके जाइए और फिर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाइए। रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पर मैंने किया है 30 सेकंड्स के लिए प्लैंक। अब आपको क्या करना है, जब आप प्लैंक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो पूरा बॉडी है वो शिवर करता है, कांपने से लगता है, आपके पेट पे बहुत लोड जाता है इसका। प्लैंक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आपके वेट को मैनेज करती है, आपके जो टमी की मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करती है। स्टार्टिंग में आपको पेन होगा, बट घबराइएगा मत, वो पेन बहुत पॉजिटिव है जो आपके पेट को अंदर करेगा, आपके वेट को मैनेज करेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आप सीधा लेट जाइए, अपने हाथों को अपने हिप के नीचे प्लेस करिए, सपोर्ट दीजिए जिससे आपके बैक में इंजरी ना हो। लेग्स को ऊपर लेके जाइए, देन डाउन, और यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड रखना है पोजीशन को, कम से कम 10 सेकंड्स मन में काउंट करिए। देन स्ट्रेट अगेन, बहुत स्लो नीचे लेकर आइए, देन होल्ड। ऐसा आपको कम से कम 10 बार करना है और उसके करने हैं आपको 4 सेट, और ये आपका 1 वीक प्लान है। आपको नेक्स्ट वीक जब आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे तो आपने इसके जो रैप्स हैं वो इंक्रीज करने हैं और सेट्स भी आपको इंक्रीज करते जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स हो जाइए। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, बॉडी की पोजीशन आपको ऐसे हाफ बेंड करना है, लेग्स को इस तरीके से रखिए, हाथ को प्रॉपर फैला लीजिए दोनों तरफ, अपने पैरों को साइड में ट्विस्ट करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। आपको ऐसा 10 बार करना है और उसके करने हैं 4 सेट।
जब अपने पैरों को साइड पे लेके जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेगा कि आपने एक लेग के ऊपर दूसरा लेग रखना है। अगर आप साइड पे रखेंगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आपके टमी पे उसका इतना लोड नहीं जाएगा। रिलैक्स हो जाइए। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए आप हाथों को इस तरीके से प्लेस करिए, प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। आपको क्या करना है, अपनी लेग्स को वाइड करना है जंप करके एंड देन जॉइन करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसका बहुत अच्छा लोड, इनफैक्ट जितनी भी आपको मैं बता रही हूँ ये पांच, दिखने में आपको बहुत ज्यादा इजी फील हो रही होगी, बट ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और उसका लोड जो होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आपके टमी पे जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से आपके टमी एरिया पे काम करेगी। स्टार्ट करते हैं, हमें करने हैं 10 रैप्स और 10 के करने हैं 4 सेट्स। यहां पर आपकी कंप्लीट होती है ये वाली एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं इसी स्पीड के साथ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपको ऑपोजिट साइड जाना है, वो भी स्पीड में, ऐसे जैसे आपको मैं करके दिखा रही हूँ। लेफ्ट हैंड की साइड आपको जाना है राइट लेग लेके, और ऐसे ही राइट हैंड की साइड जाना है आपको लेफ्ट लेग को लेकर। इससे आपका ये एरिया ट्विस्ट होता है और वहाँ का फैट रिड्यूस होता है। 10 रैप्स और उसके 4 सेट्स। रिलैक्स, और यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है सारी एक्सरसाइजेस। तो पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको फॉलो करना और फालतू का अटरम शटरम बाहर का मत खाना जो जंक फूड होता है। फिर कहोगे कुछ होता नहीं है तो होएगा कुछ नहीं। अगर रोज़ ही चीट डे बनाओगे, वीक में एक दिन आप रख सकते हो कि आपका एक दिन चीट डे होना चाहिए, मतलब आप कुछ भी गंद वंद खा सकते हो। देन उसके बाद फिर से अपने बॉडी को मेंटेन करो। आपका शरीर है यार, अपने शरीर के साथ खुद खेलोगे, खुद ही परेशान रहोगे, सिर्फ वेट नहीं बढ़ेगा बल्कि बूढ़े भी बहुत जल्दी हो जाओगे। क्योंकि बाहर का खाने से, मीठा खाने से, ज़्यादा मसाले खाने से सबसे पहले एजिंग बहुत जल्दी आती है हमारे फेस पे। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करवाओगे तो अननेसेसरी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलते ही रहेंगे आपकी लाइफ में। तो हमेशा खुश रहो, स्ट्रेस को दूर रखो और ऐसे ही खूब सारा प्यार मुझे देते रहो। प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और जमकर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।